नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री आज मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के साथ मामले फिर से खोलने का फैसला किया। केंद्र उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगा। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने बोतल बंद पेयजल उद्योग से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बोतलों का समुचित विकल्प तलाशने को कहा। ब्रिटेन की संसद ने जल्दी चुनाव कराने की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुरोध को दूसरी बार खारिज किया और श्रीलंका के 10 क्रिकेट खिलाड़ियों का सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला से अलग रहने का फैसला। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। ये दक्षिण एशिया में दोनों देशों के बीच पहली पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग परियोजना दोनों देशों के निकट द्विपक्षीय संबंधों की परिचायक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पाइपलाइन से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और पारगमन लागत कम करने में मदद मिलेगी। बिहार में मोतिहारी से नेपाल में अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन भारत ने 30 महीने की निर्धारित सीमा से आधे समय केवल 15 महीने में ही तैयार कर दी। इसके अलावा IOC ने नेपाल तेल निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही NOC के अमलेखगंज तेल डिपो की 2 तेल भंडारण टंकियों का नवीकरण भी किया है। उम्मीद है कि इस तेल पाइपलाइन से पेट्रोलियम पदार्थों की सुगम और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति के साथ ही नेपाल को तेल ढुलाई और रिसाव पर हर साल अरबों रुपए की बचत होगी। समाचार के लिए काठमांडू से राजकुमार। गृह मंत्रालय के विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के साथ मामले फिर से खोलने का फैसला किया है। इनमें आरोपी या तो बरी कर दिए गए हैं या मामले की सुनवाई बंद कर दी गई है। विशेष जांच दल निपटाए गए मामलों के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप फिर से जांच कर रहा है। ये सातों मामले 1984 में दिल्ली के वसंत विहार, सनलाइट कॉलोनी, कल्याणपुरी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, कनॉट प्लेस, पटेल नगर और शाहदरा में दर्ज किए गए थे। विशेष जांच दल ने लोगों और संगठनों से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले आइसलैंड के पेशेवरों को भारत में हो रहे परिवर्तनों का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। कल रात आइसलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े सुधार हो रहे हैं जिससे वैश्विक स्तर पर भारत का भरोसा बढ़ रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि 169 देशों में ई वीजा सुविधा शुरू होने से वीजा प्रक्रिया सरल हो गई है। मुंबई की विशेष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को जेल में बंद पूर्व मीडिया प्रमुख इंद्राणी मुखर्जी से IMX मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ की अनुमति दे दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम इस मामले में हिरासत में हैं। CBI ने कल अदालत से इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। CBI ने कहा था कि भ्रष्टाचार के इस मामले में कुछ वित्तीय लेनदेन के बारे में और स्पष्ट जानकारी की जरूरत है। बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि सरकार उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्दी ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगी। हैदराबाद में आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि नई नीति एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी क्योंकि सरकार बिजली के क्षेत्र में पहली बार उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता अधिकार विधेयक लाने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि उपभोक्ता के इन अधिकारों में 24 घंटे बिजली की समुचित आपूर्ति शामिल है। कटौती की किसी स्थिति में बिजली वितरण कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी भरपाई उपभोक्ताओं के खाते में जमा की जाएगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियां अपनी दक्षता में कमी का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल सकती।
वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड एवरी विलेज। हमने पहले से ही हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ घरों में विद्युत आपूर्ति करना सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी घर बिना बिजली और गैस कनेक्शन के अछूता न रहे। और विदाउट अ गैस कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन के भीतर कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल की है। देश के विभिन्न शहरों में कई केंद्रीय मंत्री आज सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चेन्नई में, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद गुजरात के अहमदाबाद में और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पहल की है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार सबका साथ सबको सशक्त बनाने और सबका विकास करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इसका लक्ष्य 2022 तक लोगों को 1,95,00,000 घर मुहैया कराना है। सरकार का ये लक्ष्य है कि 2022 तक ग्रामीण परिवार के हर घर में बिजली और रसोई गैस कनेक्शन पहुंचा दिया जाए। सरकार 2024 तक हर घर तक पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 16,000 से अधिक अस्पताल लाए गए हैं। 41,00,000 लाभार्थियों को भर्ती किया गया है और 10 करोड़ ई कार्ड जारी किए गए हैं। नवीन कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मोहम्मद जुबैर। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने बोतल बंद पानी बेचने वाली कंपनियों से कहा है कि वे अगले 3 दिन में पानी की पैकेजिंग के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव लेकर आएं। नई दिल्ली में कल बोतल बंद पानी उद्योग के प्रतिनिधियों और संबद्ध सरकारी अधिकारियों की बैठक में प्लास्टिक की बोतलों का उचित विकल्प ढूंढने के लिए कहा गया। संवाददाताओं से बातचीत में रामविलास पासवान ने कहा कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के मामलों का विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध से रोजगार पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि विकल्प से भी नए रोजगार पैदा होंगे। ब्रिटेन में सांसदों ने ब्रेग्जिट को लेकर गतिरोध समाप्त करने के लिए जल्द चुनाव कराने की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का दूसरा प्रयास भी खारिज कर दिया है। इससे पहले सांसदों ने बिना किसी समझौते के 31 अक्टूबर को यूरोपीय संघ से अलग हो जाने की ब्रिटेन की तैयारी के गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग करते हुए मतदान किया था। बोरिस जॉनसन ने जुलाई में प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था और ब्रेग्जिट के लिए 2016 का जनादेश पूरा करने का वायदा किया था, लेकिन कई सांसदों ने बिना किसी समझौते के ब्रेग्जिट का विकल्प ना मंजूर कर दिया है और पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री पर किसी समझौते तक न पहुंच पाने की स्थिति में यूरोपीय संघ से अलग हटने में विलंब करने का दबाव बनाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज अबुधाबी में एशियाई ऊर्जा मंत्री स्तरीय 8वें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहा है। आमेर आज को 2 सत्रों में संरचित किया गया है जिसमें विश्व ऊर्जा मिशन और नई प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर मंत्री स्तरीय चर्चा होगी। सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा सेवाओं के समावेशी पहुंच को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा मंत्री सुहेल अहमद फराज अल मजरोई और सुल्तान अहमद अल जावेद राज्य मंत्री और एडनॉक समूह के सीईओ के साथ भी उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ रहा है और विभिन्न घटनाओं में अनेक लोगों की मौत हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश के बरगी बांध सहित 21 बांधों के द्वार खोलकर अतिरिक्त पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जबलपुर जिले में बरगी बांध के गेट खुलने से राज्य के एक दर्जन से अधिक जिलों में नर्मदा नदी खतरे के निशान के आसपास बह रही है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नर्मदा की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी 8 जिलों बड़वानी, दमोह, धार, देवास, इंदौर, राजगढ़, विदिशा और उज्जैन में भारी बारिश और 16 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
आज देश भर में मुहर्रम श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। ये दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए कर्बला में पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर ताजिए निकाले जाएंगे और मजलिसों का आयोजन किया गया है। श्रीलंका के 10 क्रिकेट खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों को लेकर आगामी पाकिस्तान श्रृंखला से अलग रहने का फैसला किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ इस महीने खेले जाने वाले 3 एक दिवसीय और 3 2020 मैचों के लिए चुनी गई टीम के खिलाड़ियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विमलेंदु। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में वैश्विक मरुस्थलीकरण निवारक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को अखबारों ने प्राथमिकता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहे दुनिया। वर्ष 2030 तक देश में 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य। पेयजल पर वैश्विक एजेंडा तय करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा। पाकिस्तान की आतंकी फितरत पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, छद्म युद्ध तेज करने की रणनीति, पाकिस्तान में मसूद अजहर की रिहाई। दक्षिण भारत में आतंकी हमले की आशंका, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी, 47 देशों को लिया साथ। जनसत्ता ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हवाले से लिखा है, नागरिकता बिल फिर लाएगी सरकार। गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष कानून से जुड़ी आशंकाओं का निवारण किया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, चंद्रमा की सतह पर टेढ़ा पड़ा है विक्रम, कोई भी हिस्सा टूटा नहीं। इसरो जल्द जारी करेगा चांद पर विक्रम की तस्वीरें। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, दिल्ली में 5,000 वकीलों की प्रैक्टिस पर रोक, ये वकील बार काउंसिल एसोसिएशन की परीक्षा में हुए फेल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री आज मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। विशेष जांच दल ने सिख विरोधी दंगों के साथ मामले फिर से खोलने का फैसला किया। केंद्र उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए जल्द ही नई बिजली शुल्क नीति लाएगा। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने बोतल बंद पेयजल उद्योग से एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की बोतलों का समुचित विकल्प तलाशने को कहा। ब्रिटेन की संसद ने जल्दी चुनाव कराने के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुरोध को दूसरी बार खारिज किया। और श्रीलंका के 10 क्रिकेट खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान के साथ आगामी क्रिकेट श्रृंखला से अलग रहने का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।